मुझे पूरा विश्वास है कि बातें कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है कि तीन हमारे साथी कैंडिडेट्स हैं गठबंधन के और मुझे विश्वास है कि तीनों को जीतना है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही किया है, किस तरह का उन्होंने दबाव डाला, कैसे डाला ये तो बाद में पता चलेगा, पर ये दबाव की राजनीति, चुनाव के पहले खरीद फरोख दबाव ये सब हमेशा होता रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी पावर में रही कोई नई चीज नहीं है। नेता का निर्देश था, हमारी पार्टी का निर्देश था कि हमें गठबंधन के साथ खड़े रहना है, तो हम लोग गठबंधन के साथ खड़े थे और वोट डाल के आए हैं और उम्मीद रखते हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। ये तो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयास करती रहती, हो सकता है कुछ ऐसा प्रयास उन्होंने किया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि बातें कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है कि तीन हमारे साथी कैंडिडेट्स हैं गठबंधन के और मुझे विश्वास है कि तीनों को जीतना है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम, हालांकि आप पार्टी अलग है लेकिन गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी मनोज पांडे के लिए ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सभी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, क्या वजह लगती है? देखिए ये उनका आंतरिक मामला, इस पे कोई टिप्पणी करना मुझे क्योंकि जानकारी भी नहीं क्या वजह है क्या नहीं, ये अभी तत्कालीन का कोई डेवलपमेंट है तो उस पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर ये जरूर कहूंगी कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन आज की तारीख में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, तो इसलिए सभी को उसको मजबूत करना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, क्या वजह लगती है जो इतनी ज्यादा क्रॉस वोटिंग हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही किया है, किस तरह का उन्होंने दबाव डाला, कैसे डाला ये तो बाद में पता चलेगा, पर ये दबाव की राजनीति, चुनाव के पहले खरीद फरोख दबाव ये सब हमेशा होता रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी पावर में रही कोई नई चीज नहीं है, पर मैं आज मुझे खुशी है कि जो हमारी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का निर्देश था, हमारे नेतृत्व का जो निर्देश था, अब मैंने और मेरे साथी विधायक ने उसको निभाया। आज आप सभी लोग वोट करके आए हैं, क्या कुछ उम्मीद है, क्या लग रहा है, क्या चीज़? देखिए हमने जो हमें अपनी पार्टी का धर्म निभाना था, हम लोग वोट डाल के आए हैं और वोट डाल के आए हैं तो निश्चित ये विश्वास भी रखते हैं कि हमारा गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। एक बड़ा सवाल ये भी है, समीम भाई, पार्टी अलग है लेकिन एक ही गठबंधन में आप लोग शामिल है, इंडिया गठबंधन से, समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे के लिए बताया जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया, क्या वजह लगती है? देखिए उनका कुछ अंदरूनी मामला होगा और वो बेहतर वही जानते हैं, हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को नेता का निर्देश था, हमारी पार्टी का निर्देश था कि हमें गठबंधन के साथ खड़े रहना है, तो हम लोग गठबंधन के साथ खड़े थे और वोट डाल के आए हैं और उम्मीद रखते हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। ये तो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयास करती रहती, हो सकता है कुछ ऐसा प्रयास उन्होंने किया हो। कितना असरकारी होगा ये, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही है, बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी, सपा के एजेंट जाएंगे, सपा के विधायक, तो क्या लग रहा है? देखिए वो संख्या तो आप लोग मुझसे बेहतर आप सब जानते होंगे, मुझे ये नहीं पता है कि उनके कितने विधायक हैं, कुछ ऐसा जैसा आप मीडिया में चल रहा है वही मुझे भी देखने में नजर आ रहा है। अभी तो अंदर हम लोगों से ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुई। इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा नुकसान है? नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत था और हमारा उम्मीदवार जीतेगा।